दोस्तों नमस्कार, मैं रामवीर सिंह, डायरेक्ट सेलिंग कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आज हम बात करेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग में लोग फेल क्यों होते हैं। एक सिंपल सा काम जहां पर लोगों से बात करके, अपनी बात समझा करके बहुत बड़ा बना जा सकता है, नाम कमाया जा सकता है, शोहरत कमाई जा सकती है, फिर ऐसे क्या कारण है कि हम फेल हो जाते हैं। उस चीज को आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों फेल होते हैं। दोस्तों, दुनिया में हर व्यक्ति बड़ा बन सकता है। सबसे पहला क्या करना चाहिए कि एक सफल व्यक्ति को हमें देखना चाहिए, और जो सफल व्यक्ति यदि वो सफल कैसे बना है ये बात हमें बता दे तो सफल होना कितना आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन ये आम जनता में देखने को नहीं मिलता, जमाने में देखने को नहीं मिलता कि कोई सक्सेसफुल इंसान अपनी सक्सेस की सारा सीक्रेट किसी को बता दे। लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग में होता है कि एक सफल व्यक्ति कैसे सफल बना है वो हर स्टेज से चिल्ला चिल्ला करके बताता है कि सक्सेस ऐसे बना जाता है। लेकिन फिर भी हमारे देश में 140 करोड़ की आबादी में, जहां पर 80 करोड़ लोग तो ऐसे हैं कि जिनको कोरोना के ड्यूरेशन में भारत सरकार ने खाना खिलाया है, कोई रोजगार नहीं है, बेरोजगार है, ऐसे देश में भी लोग डायरेक्ट सेलिंग में अनसक्सेस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों उसका एक ही रीजन है कि वो सामने वाले की बात को मानते नहीं। मैं ये नहीं कहता कि आप जानते नहीं, आप सब कुछ जानते हैं। आप इंजीनियर हैं तो इंजीनियरिंग जानते होंगे, आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर की बारे में जानते होंगे, आप पहलवान हैं तो कुश्ती लड़ना जानते होंगे, आप क्रिकेटर हैं तो क्रिकेट के बारे में जानते होंगे, आप पायलट हैं तो जहाज चलाने के बारे में जानते होंगे, आप टीचर हैं तो पढ़ाने के बारे में जानते होंगे। बिल्कुल सही है, हर व्यक्ति जो काम कर रहा है वो अपने प्रोफेशन के बारे में जानता है। लेकिन ऐसा कहां लिखा हुआ है कि आप डॉक्टर हैं और आपको कोई क्रिकेट खेलने के लिए बोले तो आप प्रोफेशनल तरीके से क्रिकेट नहीं खेल सकते। इसका मतलब आपको क्रिकेट खेलनी है तो आपको क्रिकेट जो जानता है, जो पहले खेला है, जिसने नाम कमाया है, उसके बताए हुए डायरेक्शन के हिसाब से सीखना पड़ेगा। लेकिन हमारे को ऐसा लगता है कि हम बड़े हो गए हैं और हम इन सारी चीजों को जानते नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप बोलना जानते हैं, चलना जानते हैं, दौड़ना जानते हैं, कॉमेडी करना जानते हैं, फेंकना जानते हैं, किक मारना जानते हैं? नहीं जानते। क्योंकि दोस्तों इन सारी चीजों से भी लोग करोड़ों अरबों रुपए कमाते हैं। मुक्का मारना आपको नहीं आता, मैरी कॉम को आता है, विजेंदर को आता है, वो करोड़ों रुपए कमाता है। लात मारना आपको नहीं आता, किक मारता है रोनाल्डो, महकम फुटबॉल में तो करोड़ों रुपए कमाता है। कुश्ती लड़ना आपको नहीं आता, गीता फोगट को आता है, सुशील को आता है, वो करोड़ों रुपए कमाते हैं। गाना गाना आपको नहीं आता, पड़ोसी मना करता है भाई ऐसा मत गा, कान खराब हो जाएंगे, लेकिन उसी गाने को जुबिन नौटियाल, लता मंगेशकर, आशा भोसले, कुमार सानू, अलका याग्निक गाती हैं तो करोड़ों रुपए कमाती हैं। मजाक करना भी नहीं आता, कॉमेडी करना आता कपिल शर्मा को, कपिल शर्मा कॉमेडी करते हैं तो 15 करोड़ रुपए तो टैक्स भरता है। आपको बोलना, बोलना पंडित जी को आता है, भागवत करने बुलाओ 2-2.5 लाख रुपए मांगते हैं, क्या करते हैं, बोलते हैं। दोस्तों आपको बोलना नहीं आता, लात मारना नहीं आता, मुक्का मारना नहीं आता, मजाक करना नहीं आता, गाना गाना नहीं आता, फिर आता क्या है? हमें एक चीज आती है कि हम जानते कुछ नहीं है और हम किसी की मानते भी नहीं है। हम सोचते हैं हम चाणक्य हैं, सामने वाला व्यक्ति कुछ नहीं जानता, ये क्या बताएगा, क्या सिखाएगा। हो सकता है वो आपसे उम्र में छोटा हो, लेकिन ये धारणा हमें बदलनी पड़ेगी। हम हर सेक्टर के मास्टर नहीं हो सकते। आप अपने सेक्टर के मास्टर हैं, ये बिल्कुल बात सही है, लेकिन आप डायरेक्ट सेलिंग के मास्टर हो सकते नहीं। डायरेक्ट सेलिंग का मास्टर वो है जिसने यहां से करोड़ों रुपए कमाए, यहां से साइकिल से बड़ी बड़ी गाड़ियां अचीव की हैं, कच्चे घरों से बड़े बड़े घर अचीव किए हैं, वो लोग जानते हैं। यदि आप उनकी बातें मानेंगे तो आप बड़े बनेंगे, यदि उसकी बातें आप नहीं मानेंगे तो आप बड़े नहीं बन सकते हैं। अनसक्सेस होने का एक ही रीजन है, एक ही कारण है कि आप अपने आप में चाणक्य ना बने। आप अपलाइन के द्वारा बताए हुए किसी भी सेक्टर में सक्सेस होना है तो उसके
कोच के द्वारा बताए हुए बातों को माने और उसे फॉलो करें और उसी के साथ काम करें, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति यहां सक्सेस नहीं हो सकता। हर व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि बड़े बड़े चीजों में सोचो आप कितना टेक्निकल दिमाग लगाते हैं, कितना माइंड लगाते हैं लोग, ऐसे ऐसे आविष्कार करते हैं, उनको कर लेते हैं। तो यहां तो एक सिंपल सा काम है कि हिंदी में बात करना, लोगों से मुलाकात करना है और लाइन में बने रहना है, लोगों के साथ चलते रहना है। ये काम आप करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आप एक दिन जरूर सक्सेस होंगे। यही सीक्रेट है दोस्तों सक्सेस होने का। तो डायरेक्ट सेलिंग में लोग इन्हीं वजह से अनसक्सेस होते हैं। इस वीडियो को अच्छा लगता है तो दोस्तों जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको आने वाले समय में डायरेक्ट लिंक मिलते रहेंगे, बहुत सारी एजुकेशन, इथिकल एजुकेशन के माध्यम से कैसे सक्सेस होते हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।